मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मेसराम साहब को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो डायस पर आए और अपनी बात इस संदर्भ में रखे। माननीय वामन मेसराम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर के 125वां जन्म वर्ष के समापन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और सभी देश भर के जो साथी हैं यहाँ उपस्थित है। इस मौके पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बाबा साहब अंबेडकर और उनकी विचारधारा हमारे पास है, उनकी विचारधारा को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसी संदर्भ में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जितने भी वंचित लोग थे, जितने भी उपेक्षित लोग थे और उन उपेक्षित लोगों में शेड्यूल कास्ट के लोग, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी लोग, नोमेडिक ट्राइब के लोग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग और जो अलग अलग प्रकार के यकीन और विश्वास को मानने वाले मुस्लिम्स, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, सिख, ये जो लोग हैं, इन सभी लोगों को इस देश में जागृत करके उनको वो इकट्ठा करना चाहते थे। जो साहित्य, जो विचारधारा, जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके अनुसार ये बात दावे के साथ कही जा सकती है। बाबा साहब अंबेडकर केवल मात्र दलितों को इकट्ठा करना चाहते थे, ऐसी बातें उत्तर प्रदेश में कही जाती हैं, बोली जाती हैं, मगर ये बात सही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर इस देश में जो खास तौर पर ब्रह्मनिकल सोशल ऑर्डर चल रहा है, वो आज भी प्रभावशाली है, उससे पीड़ित जितने भी उपेक्षित लोग थे, उन सभी लोगों को जगाकर जोड़ना चाहते थे। 125वें जन्म वर्ष के मौके पर जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, उन सभी उपेक्षित लोगों को, वंचित लोगों को, हम भी संकल्प करते हैं उन सभी लोगों को जगाएंगे,
और उन सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। मैं जानता हूं ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, मगर बहुत कठिन और बहुत मुश्किल काम करने में ही मजा होता है। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, और जब कोई आसान काम कर लेता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो हम संकल्प ले रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के 125वें जन्मवर्ष के मौके पर, वो कठिन कार्य जो वो करना चाहते थे, वो कठिन कार्य को करने के लिए ही हम लोग संकल्प लेते हैं। पिछले 40 साल से हम यही काम कर रहे हैं, और ये काम करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं हम जानते हैं, मगर हमने कभी कठिनाइयां आती हैं इसलिए समझौता करने का कार्य नहीं किया, और ना ही हम लोग भविष्य में भी समझौता करने का काम करेंगे। और ये लड़ाई जैसे बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे उसी तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर का 125वें जन्मवर्ष का कार्यक्रम है समापन का, इसलिए उस रेफरेंस में मैं बातें करना चाहूंगा। दूसरी बात, इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू किया गया। जो संविधान लागू किया गया बहुत लोगों को उसकी बहुत सारी विशेषताओं का पता नहीं है, मगर मैं एक विशेषता इस मौके पर जरूर बताना चाहता हूं कि यह संविधान प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर, प्रौढ़ मताधिकार का जो अधिकार है वो इस संविधान के द्वारा समस्त भारतवर्ष के लोगों को, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, इसका अधिकार बहाल किया गया। चाहे रानी हो चाहे मेहतरानी हो, दोनों को बराबरी का वोट बहाल किया गया, बराबरी का अधिकार बहाल किया गया, और इसके आधार पर इस देश में एक लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश हुई। मगर ट्रांसफर ऑफ पावर में, सत्ता हस्तांतरण में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को सत्ता हस्तांतरण की, और इसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया 46 में, और भारत छोड़कर चले गए। जिन ब्राह्मणों को उन्होंने सत्ता हस्तांतरित की उन लोगों ने संविधान जो लागू हुआ उसके विपरीत सत्ता का उपयोग किया, और संविधान लागू करने के बजाय संविधान के विरोध में षड्यंत्र किया। आज हम देखते हैं, यह बात मैं सारे देश भर में रिपीटेडली कह रहा हूं, क्योंकि यह बात बाबा साहब अंबेडकर के
सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने इस देश में प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी, आज आप लोग हैरान हो जाओगे कि 3.5% ब्राह्मणों की इस देश में 4-4 नेशनल लेवल की पार्टियां है। ब्राह्मणों की एक भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं हो सकती, क्योंकि 3% 3.5% ब्राह्मण पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है, इसके अनुसार ब्राह्मणों की एक भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की नहीं हो सकती। मगर उनकी 4-4 नेशनल लेवल की पार्टियां है। इन पार्टियों के संदर्भ में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की वो सत्ताधारी पार्टी रही, उन्होंने जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को फ्लोरिश करने में मदद की, डेवलप करने में मदद की। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी डेवलप होने में मदद की, उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी डेवलप करने में मदद की। दूसरी तरफ विशेष बात मैं बता रहा हूं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों की कोई पार्टी नेशनल लेवल की बने ना बने, इसके लिए बहुत जद्दोजहद किया, बहुत कोशिश की। इसके सारे दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। आदिवासियों का कोई संगठन, मजबूत संगठन बने, इसको भी फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की। बैकवर्ड क्लासेस का भी कोई संगठन राष्ट्रीय स्तर का बने, राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का बने, इसके लिए भी उन्होंने कोशिश की। इसके भी दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास है। माइनॉरिटी के लोगों का कोई राजनीतिक दल आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर का बने, इसको लगातार कांग्रेस के लोगों ने फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की। और आज आप देखेंगे कि 15% अकेले मुस्लिम्स लोग हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर की 15% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उनकी एक भी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, मगर 3.5% ब्राह्मणों की 4-4 नेशनल लेवल की पार्टी है। यानी उन्होंने हम लोगों की सामाजिक या राजनीतिक संगठन योजना बनाकर प्लान बनाकर नहीं बनने दिया, और उन लोगों की संख्या अल्प होने के बावजूद भी 4-4 नेशनल लेवल की पार्टियां कोऑर्डिनेशन के तहत, समन्वय के तहत बनाने में उन्होंने उनकी मदद की। भारतीय जनता पार्टी की ही बात ले लो, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, बाबरी मस्जिद गिराने के पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर आप हिस्ट्री का विश्लेषण करो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी बाबरी मस्जिद गिराने के पहले प्रधानमंत्री नहीं बने, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद प्रधानमंत्री बने। गिराने में किसका रोल है तो आप जानते हैं, नरसिंह राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद गिराने से जो उभार हुआ और हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हुआ, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और डेवलप हुई। ये हमारे सामने इतिहास है, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये बातें बता रहा हूं। एक बात तो मैंने आप लोगों को ये बताई कि 3.5% ब्राह्मणों की 4-4 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, कानून और संविधान के अनुसार एक भी नहीं बन सकती। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कानून और संविधान के विरोध में जाकर षड्यंत्र करके ऐसा किया गया। और इसके भी मेरे पास सबूत है।
दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता जो इससे भी बहुत ज्यादा भयानक है, वो ये है कि बाबा साहब अंबेडकर जो दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार वो बाइपोलर सिस्टम चाहते थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाइपोलर द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र चाहते थे, रिकॉर्ड अवेलेबल है। मगर वर्तमान द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र क्या है? एक बीजेपी है सेंटर में तो अपोजिशन में कांग्रेस है। कांग्रेस रूलिंग में थी, चली गई, बीजेपी आ गई। अब बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी। बाबा साहब अंबेडकर बाइपोलर सिस्टम चाहते थे, मगर एक ब्राह्मण जाएगा और दूसरा ब्राह्मण आएगा, इस तरह का बाइपोलर सिस्टम बाबा साहब अंबेडकर नहीं चाहते थे। रिकॉर्ड जो अवेलेबल है, मैं क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर का 125वां जन्मवर्ष है, वो क्या चाहते थे, क्या हुआ और हमें फिर क्या करना होगा, उससे रास्ता निकलेगा। काशीराम जी कहा करते थे बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कि नागनाथ जाएगा तो सापनाथ आएगा और सापनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा, नागनाथ डस ले तो भी मर जाएंगे हम, सापनाथ डस ले तो भी मर जाएंगे हम। मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में कहता हूं कि एक राजा राम है तो एक सीताराम है, और हम 85% लोगों के सामने राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम का भजन गाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये जो जनतंत्र, जो बाइपोलर सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया गया, ये जनतंत्र रूलिंग में ब्राह्मण, अपोजिशन में ब्राह्मण, थर्ड अपोजिशन में ब्राह्मण, फोर्थ अपोजिशन में ब्राह्मण, 411 सीटों में ब्राह्मण, आउट ऑफ 543 सीटों में 411 सीटों पर ब्राह्मण कब्जा है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणों का लोकतंत्र पर जो कब्जा है वो अनियंत्रित कब्जा है, जबकि लोकतंत्र के सिद्धांत में ये बात है, चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन, जिनका नियंत्रण होता है उनके ऊपर संतुलन का सिद्धांत लागू होना चाहिए, नहीं तो अनियंत्रित सत्ता स्थापित हो जाती है और अनियंत्रित सत्ता लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था और संविधान के विरोध में जाके काम करती है। आज हम देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जो बाइपोलर सिस्टम चाहते थे, द्विदलीय सांसदीय जनतंत्र चाहते थे, कि जो रूलिंग पार्टी हो उसकी नीतियां और अपोजिशन पार्टी की नीतियां अलग अलग होनी चाहिए, और अगर अलग अलग नहीं है, रूलिंग की भी वही नीतियां और अपोजिशन की भी वही नीतियां, अगर दोनों की भी सेम नीतियां रहेगी तो विरोधी पार्टी का काम नहीं करेगी। मैं खास बात के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको रोहित वेमुला का रेफरेंस देना चाहता इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि रोहित वेमुला को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, इसलिए वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गए और वो आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, वो मामला आगे बढ़ गया, आंदोलन आगे बढ़ गया। जब आंदोलन आगे बढ़ गया तो दिल्ली में स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली,
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, रिकॉर्डेड है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कहा कि यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी पर विरोधी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अमल किया, बनाया था कांग्रेस ने, यूपीए ने, उस पर अमल करने का काम बीजेपी ने अपोजिशन पार्टी के तौर पर काम किया। मगर जो नीति कांग्रेस ने बनाई, राहुल गांधी ने हैदराबाद जाकर उस नीति का उल्लंघन किया। गुप्त बातें बता रहा हूं मैं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही, ये उल्लंघन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने यह बात कही, उसके बाद राहुल गांधी हैदराबाद से जब दिल्ली वापस गए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पर्दे के पीछे मीटिंगें हुई, और ये मीटिंगों में यह तय हुआ कि कांग्रेस की पॉलिसी पर हमने अमल किया था तो कांग्रेस अपनी ही पॉलिसी का उल्लंघन क्यों कर रही है। तो कांग्रेस को रियलाइज हुआ तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को दोबारा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भेजा कि आपने इस आंदोलन को हवा दिया था, जाओ उस आंदोलन को जाके खत्म करो। राहुल गांधी दोबारा गए, ऐसा होता नहीं आमतौर पर, मगर राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दोबारा गए और वहां रोहित वेमुला की मां है, भाई है और विद्यार्थी जो चार बचे थे, उन विद्यार्थियों के साथ में उन्होंने वार्ता की। दो प्रकार की वार्ता की, एक गुप्त रूप से वार्ता की, एक आइसोलेशन में वार्ता की, और इन वार्ता में उन्होंने ये बात कही कि हम इस मुद्दे पर संसद बंद करने वाले हैं, अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन बंद करो। राहुल गांधी ने जाकर वो आंदोलन बंद करवाया और रोहित की मां ने और वो विद्यार्थियों ने राहुल गांधी की बात को स्वीकार किया, स्वीकार करके आंदोलन बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको कांग्रेस के लोगों ने कहा, आप सभी लोग यहां मत रहो, हैदराबाद मत रहो, चलो आप सभी लोग दिल्ली चलो। तो दो तीन कोच, हाँ भाई दासराम बराबर बोल रहा हूं ना, मैंने सीआईडी के लोग अंदर रखे थे, उन लोगों को पता है नहीं, सरकार को और उन लोगों को लगता है कि उनके पास ही सीआईडी है, हमारे पास सीआईडी नहीं है। अभी ये भामसे भारत मुक्ति मोर्चा, ये लगभग पैरेलल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, रहमानी साहब हर जगह हमारे आदमी अंदर है, ये भामसे कर्मचारियों का संगठन है, किसी को पता नहीं, हर जगह आदमी अंदर है, हर जगह आदमी अंदर है। अब वो इतने लाखों लोगों को निकाल भी नहीं सकते, हर जगह आदमी हमारे अंदर लगे हुए है और हमको अंदर की खबर आती है। मैं माइक पर इसलिए बोल रहा हूं कि उन लोगों को ये मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे पास वो जो गुप्त वार्ताएं उधर हुई वो सारा के सारे खबर है, सारा हमारे पास एविडेंस है। और राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कहा और उन लोगों ने उनको दो चार कोच रिजर्व किया और सभी लोगों को दिल्ली के गए, अगर ये यहां रहेंगे तो ये हैदराबाद में आंदोलन चालू रह सकता है, सभी लोगों का चलो दिल्ली। तो उनके जाने की व्यवस्था की, उनके आने की व्यवस्था की, दिल्ली में रहने खाने पीने की व्यवस्था की। राहुल गांधी ने उनको वादा किया संसद बंद करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उन्होंने वादा किया बंद करेंगे। एक दिन भी पार्लियामेंट रोहित वेमुला के मुद्दे पर बंद नहीं हुई, राहुल गांधी ने रोहित वेमुला के मुद्दे पर एक शब्द पार्लियामेंट में नहीं कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, पार्लियामेंट भी बंद नहीं। और बीजेपी ने कांग्रेस को कहा तुम्हारी नीतियों पर हम अमल कर रहे थे, तुम इन लोगों के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं, हमने तुम लोगों को इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स का जो आंदोलन दुनिया में चल रहा है वहां भी बीजेपी के लोगों का डेलीगेशन में सहभाग था,
और हमने कांग्रेस के नीतियों का समर्थन किया था, इंटरनेशनल में भी किया था। तुम लोगों ने उल्लंघन किया। तब जाकर के कांग्रेस के लोगों ने वो आंदोलन खत्म करवाने का रोल प्ले किया। उनके सामने दूसरा संकट था कि सारे देश भर में पार्लियामेंट में तो आंदोलन या संसद बंद कर सकते हैं, मगर सड़क पर आंदोलन करने के लिए कांग्रेस के पास मैन पावर नहीं है, वो मैन पावर भारत मुक्ति मोर्चा के पास है। तो हमने सारे देश भर में सड़क पर हमने आंदोलन किया। कुछ लोगों को यह मालूम नहीं होगा या कुछ लोगों को लगेगा कि गलत बात कह रहे हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारे व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स है, सारे देश भर में कहां कहां हमारे सारे देश के लोगों ने आंदोलन किया, सारा रिकॉर्ड है उनको मालूम है। और अगर ऐसा होता है तो यह आंदोलन जो है इनके नेतृत्व में सारे देश भर में चलेगा, फैलेगा, तो सारा फायदा इस आंदोलन में इनको होगा। तो भी क्या किया जाए? तो इस आंदोलन को, रोहित वेमुला के मामले को दबाना होगा, केवल इतना करने से नहीं होगा। तो उन्होंने कन्हैया को अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर उभारने का काम किया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जीटीवी के लोगों को लगाया। जीटीवी में झूठा वीडियो तैयार किया गया। जब झूठा वीडियो तैयार किया जा रहा था तो जीटीवी के संपादक विभाग के एक संपादक ने इस्तीफा दे दिया। ये मालूम नहीं था, मगर उसने इस्तीफा देने की वजह से वो बात जो पर्दे के पीछे हो रही थी वो सामने आ गई कि वो वीडियो उन्होंने मिक्स करके तैयार किया था ताकि कन्हैया को राष्ट्रद्रोही के नाम पर अरेस्ट करवाया जा सके। जब हम अरेस्ट करवाएंगे तो कन्हैया कुमार जो है वो हीरो बनेगा। अभी तो रोहित वेमुला हीरो बना हुआ है, मगर कन्हैया कुमार रोहित वेमुला के जगह हीरो बनेगा और उसको हमको हीरो बनाएंगे तो ही रोहित वेमुला का मामला पर्दे के पीछे चला जाएगा और कन्हैया कुमार का मामला सामने आएगा। तो इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों का लीडर कन्हैया कुमार को बनाएंगे। कन्हैया कुमार बिहार का भूमिहार ब्राह्मण है। हमने बहुत पहले लोगों को कहा, हमारा भारत के हर जिले में संगठन है और हर जिले में 539 जिलों में संगठन है। हमको टेलीफोन करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, जरा उसके घर में जाओ तो जरा जानकारी करके आओ, तो ये फला फला आदमी जो है, फला फला नाम है, जरा जाओ तो उसके बाप का नाम, उसके माँ का नाम, उसके चचा का नाम, सारा का सारा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, अखबारी कतरनों पर हम यकीन नहीं करते, वेरीफाई करके हमारे पास सारा जानकारी इकट्ठा हो जाती है, सारा नेटवर्क सारे देश भर में फैला हुआ, तो सारी जानकारी हमारे पास थी। और सबसे पहले जो है सोशल मीडिया में हमने इस बात को एक्सपोज किया। तो इस तरह से उन्होंने प्लान बनाकर, और हैरान करने वाली बात आपको बताता हूं, कांग्रेस इसमें शामिल, बीजेपी इसमें शामिल, और हैरान करने की बात सीताराम येचुरी इसमें शामिल। दासराम समझ रहे ना, सीताराम येचुरी भी इसमें शामिल। अगर सीताराम येचुरी इसमें शामिल नहीं होता तो कन्हैया कुमार का मामला नेशनल लेवल पर उभरता ही नहीं। इसका मतलब है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ब्राह्मण लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर वो कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं। वली रहमानी साहब विधानसभा में शायद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट क्या मामला है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि पर्दे के पीछे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फ्लोर ऑफ द असेंबली क्या होता है, कैसे होता है, क्या खेल खेला जाता है, वो निश्चित रूप से ये खेल हमारे सामने हुआ
और इस आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र किया। मैं ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि रूलिंग भी उनका, अपोजिशन भी उनका, थर्ड अपोजिशन भी उनका, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि बाइपोलर हो, एक रूलिंग पार्टी हो, एक अपोजिशन पार्टी हो, दोनों की नीतियां अलग अलग हो, तब तो दो पार्टियां है माना जाएगा, दो नीतियां है ऐसा माना जाएगा, और एक नीति का विकल्प दूसरी नीति माना जाएगा। अगर ऐसा होगा तो भारत में डेमोक्रेसी आएगी। अगर रूलिंग ब्राह्मणों का, अपोजिशन ब्राह्मणों का, थर्ड अपोजिशन ब्राह्मणों का, कहां है डेमोक्रेसी? कहां है डेमोक्रेसी? किधर है डेमोक्रेसी? जो बाइपोलर सिस्टम बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, वो सिस्टम के विरोध में सिंगल पोलर, बाइपोलर नहीं, सिंगल पोलर सिस्टम डेवलप किया गया। तो हम लोग दुनिया में वन मैन डिक्टेटरशिप आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में, भारत में वन मैन डिक्टेटरशिप नहीं, वन कास्ट डिक्टेटरशिप। मैं इसको दूसरी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि भारत में वन कास्ट डिक्टेटरशिप है, केवल ब्राह्मणों की डिक्टेटरशिप है, और ब्राह्मणों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इन लोगों की आपस में सलाह मशवरा होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोनिया और मनमोहन सिंह, अडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को नाश्ता करने के लिए बुलाते थे और नाश्ते पर फैसले होते थे, वही फैसले पार्लियामेंट में ठप्पे मारकर फाइनल किए जाते थे, और इस तरह से पार्लियामेंट में लोग केवल हाथ खड़े करके फैसले और कोई भी कानून पास होते थे। ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये सिद्ध करती है कि बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह का लोकतंत्र चाहते थे उसके विरोध में इस देश में बाइपोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस है, एक बीजेपी है, मगर ये बाइपोलर दिखाई दे रहा है, व्यवहार में ये बाइपोलर नहीं है बल्कि सिंगल पोलर है, क्योंकि पॉलिसी चेंज नहीं है, एक ही पॉलिसी है। प्राइवेटाइजेशन इनका है, प्राइवेटाइजेशन इनका है, बीजेपी का महिला रिजर्वेशन समर्थन, कांग्रेस का महिला रिजर्वेशन समर्थन और कम्युनिस्टों का महिला रिजर्वेशन समर्थन। रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों का एक राय, क्रीमी लेयर पर एक राय, ऐसे बहुत सारे नेशनल मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी की आम राय है, एक राय है, और मीडिया में, अखबारों में और मैदान में वो प्रचार करते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के विरोधी है, बीजेपी कांग्रेस के विरोधी है और कम्युनिस्ट दोनों के विरोधी। हम लोगों को ऐसा बताते रहते हैं मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है, व्यवहार में ऐसा नहीं है, और इस वजह से इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का षड्यंत्र इस देश में हुआ है। आज के तारीख में बाबा साहब अंबेडकर के 125वें जन्म वर्ष के मौके पर ये षड्यंत्र मैं आप लोगों को सामने उजागर कर रहा हूं। ये बहुत भयंकर बात है। लोकतंत्र वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, अधिकार वंचित लोगों के लिए, दुनिया में अभी लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था, दूसरी अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है। लोकतंत्र आज के तारीख में बेहतर व्यवस्था है, इससे कोई बेहतर व्यवस्था अभी कोई विकल्प दुनिया के सामने नहीं है। इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लोकतंत्र के रेफरेंस में एक मूल्यवान बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे संबंधित बहुत मूल्यवान बात। लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ जीवित नहीं रह सकते। ब्राह्मण तंत्र अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की धारणा पर खड़ा है। ब्राह्मण 3.5% है और ब्राह्मण तंत्र ब्राह्मणों के विकास के लिए समर्पित विचारधारा और व्यवस्था है। लोकतंत्र बहुसंख्यक लोगों की व्यवस्था है कि बहुसंख्यक लोग
का राज होना चाहिए, इस सिद्धांत पर खड़ा है। तो ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर ब्राह्मण तंत्र डोमिनेंट हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है, अगर लोकतंत्र डोमिनेंट हो गया तो ब्राह्मण तंत्र खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मण तंत्र को जीवित करने के लिए, जीवित रखने के लिए लोकतंत्र को खत्म करने का निर्णय किया, नहीं तो ब्राह्मण तंत्र खत्म हो गया होगा। एक बहुत मूल्यवान बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कोई भी ब्राह्मण बाय बर्थ उनके जो वैल्यू सिस्टम है उसके अनुसार लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की जो आस्था है, ब्राह्मणों का जो विश्वास है, उसके अनुसार कोई भी ब्राह्मण लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आस्था और विश्वास इस तरह का है। और इस वजह से वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकते और किसी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने सामने जीवित नहीं होने देते हैं और जीवित रहने नहीं देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। उन्होंने ऐसा किया, प्लान बनाकर किया, ये बात संविधान के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। मगर ऐसा अनुकूल और अनुरूप ना होने के बावजूद भी वो ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं, तो षड्यंत्र करके ही ऐसा वो कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हमारे सामने, क्योंकि क्या है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है उनका कब्जा है, कार्यपालिका जो कानून उन्होंने अपने हित के लिए बनाए हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए एक भी कानून नहीं बनाया, 69 साल में एक भी कानून नहीं बनाया, केवल एक कानून बनाया एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट, और वो एक्ट भी प्रैक्टिकल में अमल में नहीं। रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर कोई जोशी, कोई त्रिवेदी चतुर्वेदी अगर उस ऑर्डर का उल्लंघन करे तो किसी भी कोई सजा का प्रावधान करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो रिजर्वेशन है उसका वो अधिकारी नॉन इंप्लीमेंट करते हैं, मगर उसको दंड देने का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून उपलब्ध नहीं है। तो जो गारंटी हम लोगों को संविधान ने दी थी, उन गारंटी को अमल में लाने के लिए इस देश में कानून बनाए जाने चाहिए थे, एक भी कानून नहीं बनाया गया। केवल आर्टिकल 17 का जो अनटचेबिलिटी वाला मामला है, वो मामला उसके लिए उन्होंने एट्रोसिटीज एक्ट बनाया, मगर व्यवहार में वो लागू नहीं। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात बाबा साहब अंबेडकर के 125वें जन्म वर्ष के मौके पर इसलिए आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र के लोकतंत्र की व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद किया और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को भी लागू करने की कोशिश की, मगर पूना पैक, दूसरी बात बता रहा हूं, पूना पैक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को लागू है, कानूनन लागू है, 330 और 332 में लागू है, ओबीसी के लिए कानून नहीं है, मगर फिर भी ओबीसी को भी उन्होंने पुनः पैक लागू कर दिया, माइनॉरिटी को भी पार्टी लेवल पर लागू कर दिया। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में बोलता ही नहीं है, जबकि उसको दो अधिकार है, एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मौलिक अधिकार है बोलने का। एक तो ये अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिस ये मौलिक अधिकार सारे देश के नागरिकों को है, एमएलए को भी है, एमपी को भी है, मगर एमएलए और एमपी को एक और प्रिविलेज है, एक और है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। अगर एमएलए ने, अगर एमपी ने संसद में या विधानसभा में न्यायपालिका के विरोध में बोला तो भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। ये अधिकार, प्रिविलेज का अधिकार,
जनता के प्रतिनिधि को बहाल किया गया है। इतना विशेषाधिकार एमएलए और एमपी को होने के बावजूद भी संसद में और विधानसभा में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई भी इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट में हमारे हक में संविधान में लिखा हुआ होने के बावजूद भी, प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी, प्रिविलेज होने के बावजूद भी बोलता नहीं है। कारण बीजेपी ने, कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने पार्टी लेवल पर पार्टी डिसिप्लिन लागू किया और पार्टी डिसिप्लिन के अधीन बोलने पर पाबंदी। तो मैं कोई बात जो है काल्पनिक आधार पर नहीं कह रहा हूं, सारे के सारे दस्तावेजी एविडेंसेस है। और इसका मतलब है पार्टी लेवल पर डिसिप्लिन के नाम पर उन्होंने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मौलिक अधिकार को खत्म किया और प्रिविलेज को भी खत्म किया। और इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टी डेमोक्रेसी में रूपांतरित की और पार्टी पर केवल ब्राह्मणों ने कब्जा किया। आप सोचते हैं नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, बैकवर्ड आदमी है, तो देश का प्रधानमंत्री है, बैकवर्ड आदमी है, तो इसका जो कैबिनेट सेक्रेटरी है मिश्रा, इसका कैबिनेट सेक्रेटरी जो है मिश्रा है, और ये गुजरात में, नरेंद्र मोदी का गुजरात में भी था, रिटायर्ड हो गया था, उसी आदमी को उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी दोबारा उसी को कानून में परिवर्तन करके गए, उसी को वहां पर रखा। और उसी को वहां रखने के लिए राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो मिश्रा को वहां पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए बहन जी की मदद ली गई और बहन जी ने भाई जी को मदद की। आप लोगों को पता नहीं, राज्यसभा में मायावती ने उसको कानून को पारित करने के लिए मदद की। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास में कौन सा फैसला लेने का अधिकार है? नरेंद्र मोदी के पास कौन सा फैसला लेने का अधिकार है? एक आदमी प्रधानमंत्री है बैकवर्ड, हमारे महाराष्ट्र का ओबीसी के समर्थन में बोलने वाला गोपीनाथ मुंडे को तो मार दिया, गोपीनाथ मुंडे को उन्होंने मार दिया, और नरेंद्र मोदी को इशारा किया कि नरेंद्र भाई बैकवर्ड को हम प्रधानमंत्री बना रहे, खतरा ले रहे, तो आप जरा ध्यान रख जो गुजराती में ध्यान राख जो, अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा गोपीनाथ तो वो किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड क्लासेस की जाति आधारित गिनती के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। जिस बीजेपी ने पार्लियामेंट में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का समर्थन किया था, ओबीसी प्रधानमंत्री बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, नहीं हो, नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, और ब्राह्मणों ने उसको नॉमिनेट किया, बहुमत मिलने के पहले नॉमिनेट किया, बहुमत बाद में मिला, आरएसएस ने पहले उसको प्रधानमंत्री घोषित किया कि भाई देखो बहुमत मिलने के पहले आपको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सुषमा स्वराज को साइड में कर रहे हैं, अडवाणी को साइड में कर रहे हैं, और हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ध्यान रखो, ध्यान रखो, अडवाणी को भी बाय किया, सुषमा स्वराज को भी साइड में किया, आपको बना रहे हैं।
तो मैं आप लोगों को ये तथ्य उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं कि ये जो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है ये नॉमिनेटेड पीएम है। हमारे मराठी में तो बहुत खराब शब्द यूज किया जाता है, मैं यहां नहीं करना चाहता हूं, बहुत खराब शब्द यूज किया जाता है, वो माइक पर बोलने के लिए बहुत थोड़ी दिक्कत है, मगर बहुत खराब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पाटिल साहब को मालूम है, इसलिए मैं अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहा हूं, नॉमिनेटेड पीएम एंड दोज हु नॉमिनेट। नॉमिनेट किसने किया? ब्राह्मणों ने। तो असली पावर किसका? ब्राह्मणों का। जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता है, जो लोग उसको नॉमिनेट करते हैं पावर उसका होता है। मनमोहन सिंह को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया था, तो सारा प्राइम मिनिस्टर का पावर प्रणब मुखर्जी यूज करते थे। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अर्थमंत्री का काम करते थे, और प्राइम मिनिस्टर के सारे फैसले प्रणब मुखर्जी करते थे। 67 जीओएम में 63 जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी थे, और एक भी पॉलिटिकल डिसीजन मनमोहन सिंह नहीं करते थे, सारे पॉलिटिकल डिसीजन, सारे मूल्यवान डिसीजन प्रणब मुखर्जी ने लिया, रिकॉर्ड में जीओएम बनाकर किया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन वो फैसला करते थे। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। यह स्थिति है जो कांग्रेस में है वही बीजेपी में, जो बीजेपी में है वही कांग्रेस में। कांग्रेस के लोग अपने मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वो एमएलए को अधिकार दिया कि एमएलए को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार होगा, मगर कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनती है, इन्हें नॉमिनेट करती है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फडणवीस ब्राह्मण है, तो उसको दिल्ली में चुना गया, उसको महाराष्ट्र में नहीं चुना गया, उसको भी दिल्ली में चुना गया। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस इन प्रैक्टिस एक जैसा व्यवहार है। संविधान में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार एमएलए को है, मगर एमएलए को कांग्रेस भी अधिकार नहीं देती है, बीजेपी भी अधिकार नहीं देती है। आपको ये तथ्य इसलिए बता रहा हूं कि लोकतंत्र कहां बचा हुआ है, किधर बचा हुआ है। लोकतंत्र बहुत ज्यादा उम्मीद वाली संस्था है, और उपेक्षित लोग जो है, वंचित लोग जो है, इसको एम्पावर करने का जो सिस्टम है वो लोकतंत्र है। मैं इस बात को आज भी मानता हूं कि इससे कोई बेहतर व्यवस्था अभी दुनिया के सामने नहीं है, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर इसको उम्मीद भरी व्यवस्था मानते थे, मगर आज हम देखते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे, चाहते थे, उसके विरोध में, विपरीत स्थिति में सारी व्यवस्थाओं को डेवलप किया गया। इसका परिणाम देश में लोकतंत्र खत्म हुआ और ब्राह्मण तंत्र स्थापित हुआ। ब्राह्मण तंत्र स्थापित करने का परिणाम हुआ कि इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और आदिवासियों का सेग्रीगेशन और महिलाओं की दासता, ये जो राष्ट्रीय स्तर की 5 बड़ी समस्याएं थी, वो समस्याएं आजाद भारत में और लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं। दूसरी बात, आजाद भारत में हमारी किसी मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ, और दूसरी बात, आजाद भारत में 4 नई राष्ट्रीय समस्याएं पैदा की गई। आतंकवाद अंग्रेजों के समय में नहीं था, नक्सलवाद अंग्रेजों के समय में नहीं था, भूखमरी गरीबी थी, भूखमरी नहीं थी, भूखमरी अंग्रेजों के समय में नहीं थी। आज सोनिया गांधी ने गांव के 90% और शहरों के 60% लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करवाया, तो कानूनन इस बात को स्वीकार किया कि गांवों के 75%, शहरों के 60% लोग भूखमरी के कगार पर है। उन्होंने कानून बनाकर स्वीकार किया। चौथी बात, भ्रष्टाचार
अंग्रेजों के समय में भ्रष्टाचार था, मगर अंग्रेजों के समय में सर्वाधिक भ्रष्टाचार नहीं था। आजाद भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार स्थापित किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारे लोगों की बहुसंख्यक वोट है, हमारे वोटों को अल्पसंख्यक ब्राह्मण भ्रष्टाचार और काले धन के पैसे से वोटों को वो खरीदते हैं और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाते हैं। तो इस देश में आज के तारीख का जो लोकतंत्र है, ये अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के द्वारा खरीदा हुआ लोकतंत्र है, खरीदा हुआ जनतंत्र है, और ये जनतंत्र खरीदने के लिए इन्होंने सर्वाधिक भ्रष्टाचार भारत में स्थापित किया। तो चार चार आजाद भारत में नेशनल लेवल की राष्ट्रीय समस्याएं पैदा की, क्योंकि आतंकवाद रीजनल समस्या नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है। नक्सलवाद 212 जिलों में है, राष्ट्रीय समस्या है। और भूखमरी और भ्रष्टाचार, ये चार चार राष्ट्रीय समस्याएं हैं। और अरे साइड में उसको साइड में लो, साइड में लो, पानी वानी पिला उसको, डंडा मत मारो। तो इस तरह से ये समस्याएं, ज्यादा भीड़ मत करो, दो लोग चार लोग बस बहुत हो गए, बहुत हो गए, वो भूखा आदमी है, दो आदमी बहुत हो जाएंगे, ज्यादा जरूरी नहीं। तो इस तरह से ये जो समस्याएं आजाद भारत में उन्होंने पैदा की, ये समस्याएं अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने के लिए पैदा की गई है, इसलिए लोकतंत्र और ज्यादा खतरे में पड़ गया। क्या करना होगा? हमारे पास राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो हम लोगों को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति विकसित की गई, उस तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन निर्माण करना होगा, और इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इसी तरह से एक और बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, वो मिलजुल कर किया, खास तौर पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत लोगों के साथ मिलकर बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा ने दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सारे देश भर में चलाया हुआ है, ताकि सभी प्रकार के जो मजलूम हैं, वो सभी प्रकार के मजलूम इकट्ठा आए और सभी प्रकार के मजलूमों को इकट्ठा लाया जाए, और उनके बीच में एक समझदारी कम से कम मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनाई जाए, और इसके आधार पर इत्तेहाद एकता कायम किया जाए, ताकि हम सभी लोग मिलजुल कर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सके संविधान को लागू करने के लिए। संविधान हमारे समर्थन में है और व्यवस्था हमारे विरोध में है, तो संविधान लागू करने के लिए इस देश में आंदोलन करना होगा, और साथ साथ में आजादी हासिल करने के लिए जन आंदोलन निर्माण करना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी स्थिति में 2024 तक, हमारे बिशप कहते हैं 2020 तक हो जाएगा, उनका यकीन भी मुझे कोई गलत नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने घोषित किया कि हम भी आपके साथ आ गए, मुसलमान तो आपके साथ आ गए, हम मुसलमान के साथ आ गए, दोनों इकट्ठा हो गए हैं, और ब्राह्मण लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही हम लोग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा इकट्ठा आकर मजलूमों में बेदारी पैदा करने का और जागृति किनान करने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उसके लिए भी बहुत सारी साजिशें हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा समझदारी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एससी एसटी ओबीसी को मैं खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि वो सारे देश भर में मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, बुद्धिस्ट लोगों के साथ और क्रिश्चनों के साथ, लिंगायत लोगों के साथ हम लोग भाईचारा निर्माण करने की कोशिश करें, सक्रिय भाईचारा निर्माण करने की कोशिश करें, अपने से पहल करके ऐसा करें, कोई करे या ना करे, हम करें,
हम खुद इस बात को करें, कोई करे या ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी है ऐसा मानकर इस बात को करें। अगर हम ऐसा 2024 तक करते हैं तो इसके नतीजे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। मेरा यकीन है और विश्वास है कि आज 125वें जन्म वर्ष के मौके पर जो बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में मैं ये बातें कह रहा हूं, तो हमें बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर अमल करने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगानी होगी। नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ इकट्ठा, पंचतीर्थ बना रहा है। वो अपने भाषण में कहता है कि मैंने बाबा साहब के लिए 5 तीर्थ बनाए। अबे तीर्थ बनाने से, आरती करने से तू या तो तीर्थ बनाता है या तो आरती करते रहता है। तो हमारे लोग तो 2-3 हजार साल से तीर्थ को जाते रहे आते रहे, तो कोई भला तो हुआ नहीं। आरती भी हमारे लोग 2-3 हजार साल से कर रहे हैं, कोई भला तो हुआ नहीं। तो वो कह रहा है बाबा साहब के लिए 5 तीर्थ हम बना रहे। 5 तीर्थ बनाने से क्या होगा? बाबा साहब अंबेडकर के समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बाबा साहब के लिए कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर के समाज के विरोध में साजिश कर रहे हो। ये मत समझना कि ये बातें हमको समझ में नहीं आती, ये बात हमको समझ में आती है, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आप लोगों को ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र से हम लोग सतर्क रहे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूं कि हम लोगों, हम हमारे मित्रों के द्वारा एक A1 TV चैनल YouTube पर शुरू किया गया है, कल शुरू किया गया है। तो ये जो A1 TV चैनल है, ये A1 TV चैनल YouTube पर आप लोग सर्च करें और YouTube पर टाइप करें A1 TV चैनल, तो आपको A1 TV चैनल जो है दिखाई दे। सारे देश भर में आप ऐसा करो, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करो। तो इससे क्या होगा कि जो चैनल वाले ब्राह्मण बनिया के चैनल वाले लोग हैं, वो आपकी खबरों को नहीं दिखाते हैं, कोई बात नहीं है, तो ये यहाँ पर दिखाया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने प्लान बनाया है। मेरी उन लोगों को शुभकामनाएं है। आप लोग इस A1 TV चैनल का जो अभियान चल रहा है उसमें आप शरीफ होंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।